हेलो फ्रेंड्स, शेफाली की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी से एक बहुत ही टेस्टी और यमी डिश, जिसके लिए मैंने गोभी को धोकर और छन्नी में निकाल कर रखा ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फ्रेंड्स, तो अब हमें इस गोभी को कद्दूकस करना है। फ्रेंड्स, कद्दूकस आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, ये बारीक वाले से। और मेरे पास फ्रेंड्स है फूड प्रोसेसर, तो मैं काम फटाफट करने के लिए फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लूँगी फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर में ये जो लगा होता है, ये तो लगता है, और जब हमें कुछ ग्रेट करना होता है तो हम ये अलग ब्लेड यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया और इसमें सारी गोभी डाल दी है। इसमें मैं डालूँगी एक टुकड़ा अदरक का, दो हरी मिर्च, फ्रेंड मैंने ये गोभी और दो हरी मिर्च और एक पिंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इसको फूड प्रोसेसर में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको कुछ ही सेकेंड में, फ्रेंड्स देखिएगा आप, अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी कितनी बारीक चॉप हो चुकी है, ये देखिए, ये देखिए, ये। तो देखिए कितनी अच्छी फूड प्रोसेसर में गोभी हमारी कद्दूकस होके तैयार है। और अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, बेसन, थोड़ा सा नमक, ये छोटी चम्मच नमक है आधा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा सा हम इस ऊपर से सब्जी में डालने के लिए रखेंगे और थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, और अब हम इसे मिलाएंगे, बाइंड कर लेंगे इसको। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि गोभी में ऑलरेडी पानी होता है, अगर हम पानी डाल देंगे तो फिर वो बहुत ही गीली हो जाएगी। मिलाते रहिए ऐसे ऐसे, ये अपने आप ही बिल्कुल जैसे हमारा आटा बनके तैयार होता है वैसे हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इतना डालें कि बिल्कुल हमारा एक डो आटे की तरह तैयार हो जाए, जिससे हम जो अपने कोफ्ते के बॉल बनाएंगे, बॉल्स ही बनाएंगे, वो बन जाए। अगर बेसन कम होगा तो फिर वो तलने में फूटेंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये डो बनकर तैयार है। अब हम इनसे थोड़ा थोड़े इस तरह से गोले लेंगे, और आप चाहें तो इस तरह से गोल भी बना सकते हैं और थोड़ा सा इस तरह से लंबा पीस भी बना सकते हैं, जैसा शेप आप चाहें इसे दे सकते हैं। देखिए, तो मैं इस तरह से अपने सारे पीसेस बनाकर रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कोफ्ते कुछ अंडाकार शेप में बनाए हैं, ये बनकर तैयार हैं। और इधर मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल चढ़ा दिया है, ये हल्का हल्का गर्म हो भी गया है। फ्रेंड्स, इसे हमें पहले अच्छे से गर्म कर लेना है ऑयल को, और फिर हम इसमें ये अपने कोफ्ते डीप फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, ये मैंने तीन प्याज लिए हैं, देखिए मीडियम साइज के हैं और एक छोटा प्याज है,
तो इसलिए मैंने ये तीन लिए हैं और दो ये टमाटर लिए हैं। टमाटर की हम पेस्ट बनाएंगे और प्याज को हम बारीक कट करेंगे। तो कढ़ाई जब तक हमारे ये कढ़ाई तेल गर्म हो रहा है और हमारे कोफ्ते जब तक डीप फ्राई होंगे, हम बीच में ये काम भी अपना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते एक एक करके डालेंगे। अगर मैंने प्याज भी छील लिया है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स ये प्याज के छिलके निकलते हैं, अगर आप भी प्लांट्स लगाने का शौक रखते हैं तो ये छिलके बहुत काम के हैं आपके लिए। इन छिलकों को आप पानी में भिगोकर एक दिन रख कर और वो पानी फिर आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। जो फूल वाले प्लांट्स हैं, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, गुलदाउदी है, उन सारे प्लांट्स में आप दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट में बहुत सारे फूल निकलेंगे। तो मैं इसको रख लेती हूँ और भिगो कर रख देती हूँ। प्याज बारीक कट चुका है और हमारे कोफ्ते भी सिक रहे हैं फ्रेंड्स। मैं इनको दोबारा से पलट देती हूँ। तो जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। इसे बड़े बड़े टमाटर टुकड़ों में काट के हमें इन्हें पीसना है। टमाटरों के साथ में ये 8-10 काजू इसमें डालकर और इनको पीस लेती हूँ। देखिए, टमाटर का कुछ पेस्ट इस तरह से बनकर तैयार, एकदम फाइन पेस्ट बना है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं और अपने कोफ्ते निकाल लेते हैं। कोफ्ते हमारे हो गए हैं। और इस साइड के कोफ्ते जो रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा कोफ्ता अंदर से पूरा अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और इसी तरह से हमें अंदर तक पकाना, ताकि गोभी कच्ची ना रहे और अंदर जो बेसन है वो कच्चा ना रहे। तो हमें मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है फ्रेंड्स, जब तक ये होते हैं। उसके बाद मैं आपको तो देखिए, मेरे सारे ही कोफ्ते बनकर तैयार हैं। और मैंने कढ़ाई में जो है तेल निकाल दिया है एक्स्ट्रा, सिर्फ 1 बड़े चम्मच तेल इसमें रखा है। और इसमें अब मैं डालूंगी जीरा, 1/2 चम्मच के करीब जीरा डालूंगी। एक चुटकी हींग, 2 तेज पत्ते, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 से भून लेना है प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे भूनना है। सब्जी की प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये टमाटर और जो काजू की प्यूरी बनाई थी वो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जार तक जितना लगा हुआ है निकल जाए इस तरह से, और डाल देंगे। इसमें काजू है इसलिए हम इसको
चलाते हुए गूंजेंगे, वरना ये नीचे कढ़ाई से लग जाएगा। इसमें मैं मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी, चम्मच भर कर धनिया, चम्मच छोटा है इसलिए, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है फ्रेंड्स, तो ये कड़वी कम होती है और लेकिन कलर इससे और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी मिर्च से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये देखिए, नमक, अब हम इसको चलाते हुए भून लेंगे जब तक हमारे मसाले से तेल ना लगने लगे, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए अब इस मसाले में से तेल अलग होने लग रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और मैंने ये एक गिलास पानी डाला इसमें। मैं सब्जी के साथ चावल बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी। अगर आप पराठे और रोटी के साथ खा रहे हैं तो एक गिलास पानी सफिशेंट है, लेकिन चावल के साथ ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैं एक आधे गिलास पानी इसमें और ऐड करूँगी। तो ये डेढ़ गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। उबाल आने तक इसको ऐसे ही रखना है, फिर जब इसमें दो तीन उबाल आ जाएंगे तब हम इसमें अपने ये कोफ्ते डालेंगे। तो देखिए इस मेरी सब्जी में अच्छे से उबाल आ रहा है और अब मैं इसमें ये जो कोफ्ते हैं वो डाल दूंगी। सब्जी में जब तक अच्छे से उबाल ना आए तब तक कोफ्ते कभी भी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि फिर वो घुल जाते हैं और सारे रसे में। 5 मिनट तक मुझे ऐसे ही पकाना है इसे, और 5 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। मैं गैस ऑफ कर दूंगी और अब लास्ट में इसमें फ्रेंड एक आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला सबसे, गरम मसाला एकदम लास्ट में ही डालना चाहिए जिससे उसकी खुशबू बनी रहे, और सबसे लास्ट में धनिया। तो फ्रेंड्स सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स सब्जी बहुत ही, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये, और ये कम टाइम में बन भी जाती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।